अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे रिडल्स पार्ट नंबर 27। और इसको स्टार्ट करने से पहले जो रिडल्स पार्ट नंबर 26 है उसके जो विनर्स हैं उनके मैं नाम आपको बता देती हूँ। और उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट रिडल जो है उसका सबसे पहले आंसर किया था इशल ने, सेकेंड रीडर का सबसे पहले आंसर इशल ने ही किया था, थर्ड रीडर का सबसे पहले आंसर किया था जी उस्मास वॉल्ट और नो जेम्स ने। और इसमें इन आंसर इसका था डोर बेल, लेकिन ये जिनकी आईडी थी नो जेम्स इन्होंने उसका आंसर जो खाया था कि फ़ोन की जो रिंग होती है वो भी तो बजती है तो वो हम उसका भी तो आंसर देते ही है ना। फोर्थ रिडल जो है इसका आंसर किया था इशल ने, उस्मास वॉल्ट एंड रायान सलीम जिनका नेम है जी समन इनने पहले आंसर किया था। फिफ्थ रिडल का सबसे पहले आंसर किया था जी आयशा जुनेद ने और समन ने। तो कंग्रेचुलेशन आप सबको इशल, उस्मा, नो जैम्स, उस्मास वॉल्ट, समन, आयशा, आप सबको कंग्रेचुलेशन कि आपने बाकी सब स्टूडेंट्स से पहले आंसर किया। तो अब स्टार्ट करते हैं आप जो है रिडल्स पार्ट नंबर 27। तो उसकी फर्स्ट रिडल है जी आई एम फुल ऑफ कीज बट आई कैन नॉट ओपन एनी डोर, व्हाट एम आई, क्या चीज़ हो सकती है, जल्दी से सोचें जी। आई एम फुल ऑफ कीज बट आई कैन नॉट ओपन एनी डोर, व्हाट एम आई, क्या चीज़ हो सकती है, जल्दी से सोचें कि इसका आंसर क्या होगा। कौन सी ऐसी चीज़ है जो फुल ऑफ कीज होती है लेकिन वो कोई डोर ओपन नहीं कर सकती, तो जल्दी से सोचें कि इसका आंसर क्या होगा, वो कौन सी ऐसी चीज़ है। आई एम फुल ऑफ कीज बट आई कैन नॉट ओपन एनी डोर, व्हाट एम आई, क्या चीज़ हो सकती है, जल्दी से सोचें कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही सी रिडल है और अगर आप लोग अपने सही से जहन इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। कि आई एम फुल ऑफ कीज बट आई कैन नॉट ओपन एनी डोर, व्हाट एम आई, ये क्या चीज़ हो सकती है, जल्दी से सोचें जी इसका आंसर क्या होगा। बहुत ईजी सी रिडल है तो फिर आप लोग जल्दी से सोचें कि इसका आंसर क्या होगा। कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर काफ़ी सारी कीज़ होती हैं लेकिन कीज़ होने के बावजूद भी वो कोई डोर ओपन नहीं कर सकती, तो जल्दी से फिर सोचें कि इसका आंसर क्या होगा। मैं इसका आंसर लिखने लगी हूँ, मेरे लिखने सबसे पहले जिसने इसका रिप्लाई किया वो इस रिडल का विनर होगा। तो इसका आंसर है जी अ पियानो। पियानो जो होता है उसमें जो होते काफ़ी सारी जो होती हैं कीज़ होती हैं लेकिन हम उससे कोई डोर तो नहीं ना ओपन कर सकते। अब चलते हैं जी सेकंड रिडल की तरफ। तो सेकंड रिडल है जी हमारे पास कि आई एम द एंड ऑफ कलरफुल रेनबो, व्हाट एम आई, तो जल्दी से सोचें जी कलरफुल जो रेनबो होती है उसका एंड क्या होता है, तो जल्दी से सोचें जी इसका आंसर क्या होगा। कि व्हाट इधर लिखा हुआ है आई एम द एंड ऑफ द कलरफुल रेनबो, तो जल्दी से सोचें जी इसका एंड क्या होगा। जल्दी से अपना दिमाग इस्तेमाल करें और बताएं कि इसका जो रेनबो होती है उसका एंड क्या होता है, तो जल्दी से सोचें कि इसका आंसर क्या होगा। आई एम द एंड ऑफ द कलरफुल रेनबो, व्हाट एम आई, क्या चीज़ हो सकती है, जल्दी से सोचें कि इसका आंसर क्या होगा। कि आई एम द एंड ऑफ द कलरफुल रेनबो, व्हाट एम आई, क्या चीज़ हो सकती है, जल्दी से सोचें कि इसका आंसर क्या होगा। कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो रेनबो का एंड होता है, तो जल्दी से सोचें कि आप इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही सी रिडल है तो फिर आप जल्दी से सोचें कि इसका आंसर क्या होगा। कि रेनबो जो होती है उसका एंड क्या होता है। मैं इसका आंसर लिखने लगी हूँ, मेरे लिखने सबसे पहले जिसने इसका रिप्लाई किया वो इस रिडल का विनर होगा। तो इसका आंसर है जी वाटर। मोस्टली जो रेनबो है ना वो जाके पानी में ख़त्म होती है, तो इस वजह से जो है इसका आंसर था जी वाटर। थर्ड रिडल जो है वो हमारे पास है कि आई एम विद पुअर पीपल एंड रिच पीपल डोंट हैव मी, इफ यू ईट मी यू विल डाई, व्हाट एम आई, क्या चीज़ हो सकती है जी, जल्दी से सोचें कि इसका आंसर जो है क्या हो सकता है। कि आई एम विद पुअर पीपल, ये मोस्टली गरीब लोगों के साथ होते हैं और जो अमीर लोग होते हैं उनके पास ये नहीं होता, लेकिन अगर जो है हम इसे खा लें तो हम मर सकते हैं, तो ये क्या चीज़ है, तो जल्दी से सोचें कि इसका आंसर क्या होगा। आई एम विद पुअर पीपल एंड रिच पीपल डोंट हैव मी, इफ यू ईट मी यू विल डाई, व्हाट एम आई, क्या चीज़ हो सकती है, जल्दी से सोचें कि इसका आंसर क्या होगा। कि आई एम विद पुअर पीपल एंड रिच पीपल डोंट हैव मी, इफ यू ईट मी यू विल डाई, व्हाट एम आई, क्या चीज़ हो सकती है, जल्दी से सोचें कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ईजी सी रिडल है तो फिर आप लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करें और फिर जल्दी से मुझे इसका आंसर करें कि इसका आंसर क्या होगा। आई एम विद पुअर पीपल एंड रिच पीपल डोंट हैव मी, इफ यू ईट मी यू विल डाई, व्हाट एम आई, क्या चीज़ हो सकती है, जल्दी से सोचें कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ईजी सी रिडल है
तो फिर जल्दी से सोचें कि इसका आंसर क्या होगा. आई एम विद पुअर पीपल एंड रिच पीपल डोंट हैव मी, इफ यू ईट मी यू विल डाई, व्हाट एम आई. ये क्या चीज़ हो सकती है? जल्दी से सोचें कि इसका आंसर क्या होगा. मैं इसका आंसर लिखने लगी हूँ. मेरे लिखने सबसे पहले जिसने इसका रिप्लाई किया वो इस रिडल का विनर होगा. तो इसका आंसर है जी, आई एम नथिंग. देखें, जो गरीब लोग होते हैं उनके पास कुछ नहीं होता, और जो अमीर लोग होते हैं उनके पास तो सब कुछ होता है. जैसे उनके पास जो है कुछ नहीं तो नहीं होता, यानी उनके पास तो सब कुछ होता है. लेकिन अगर हम कुछ नहीं खाएंगे तो जाहिर सी बात है हम मर जाएंगे. तो ये था जी इस रिडल का आंसर. अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट रिडल क्या है. तो देख लेते हैं जी नेक्स्ट रिडल. तो थर्ड रिडल है, सॉरी फोर्थ रिडल है हमारे पास. इफ़ यू गिव मी वाटर आई विल डाई, व्हाट एम आई. क्या चीज़ हो सकती है कि जिसको पानी दिया जाए तो वो मर जाती है? तो फिर जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या होगा. इफ़ यू गिव मी वाटर आई विल डाई, व्हाट एम आई. क्या चीज़ हो सकती है? जल्दी से सोचें जी इसका आंसर क्या होगा. कि इफ़ यू गिव मी वाटर आई विल डाई, व्हाट एम आई. क्या चीज़ हो सकती है? जल्दी से सोचें इसका आंसर. कि इफ़ यू गिव मी वाटर आई विल डाई, व्हाट एम आई. क्या चीज़ हो सकती है? जल्दी से सोचें इसका आंसर क्या होगा. बहुत ईजी सी रिडल है. तो फिर आप जल्दी से बता दें मुझे कि इसका आंसर क्या होगा. कि इफ़ यू गिव मी वाटर आई विल डाई, व्हाट एम आई. क्या चीज़ हो सकती है? ईजी सी रिडल है. तो फिर जल्दी से सोचें कि इसका आंसर क्या होगा. कि इफ़ यू गिव मी वाटर आई विल डाई, व्हाट एम आई. क्या चीज़ हो सकती है? जल्दी से सोचें कि इसका आंसर क्या होगा. अच्छा, मैं इसका आंसर आप लिखने लगी हूँ. मैं लिखने सबसे पहले जिसने इसका रिप्लाई किया वो इस रिडल का विनर होगा. तो इसका आंसर है जी हमारे पास फायर. जो आग होती है, आग के ऊपर पानी डाला जाए तो जाहिर सी बात है वो बुझ जाती है, ख़त्म हो जाती है, यानी कि मर जाती है. अब चलते हैं जी नेक्स्ट और लास्ट रिडल है इस वीडियो के, वो है जी फिफ्थ रिडल. पीपल बाय मी टू ईट बट नेवर ईट मी, व्हाट एम आई. कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसको हम खरीदते खाने के लिए लेकिन खाते नहीं हैं? तो फिर जल्दी से सोचें कि इसका आंसर क्या होगा. बहुत कॉमन सी चीज़ है, हर घर में ये होती है. तो फिर जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या होगा. कि पीपल बाय मी टू ईट बट नेवर ईट मी, व्हाट एम आई. क्या चीज़ हो सकती है कि जिसको खाने के लिए लिया जाता है लेकिन हम खाते नहीं हैं? तो फिर जल्दी से सोचें कि इसका आंसर क्या होगा. पीपल बाय मी टू ईट बट नेवर ईट मी, व्हाट एम आई. क्या चीज़ हो सकती है? जल्दी से सोचें कि इसका आंसर क्या होगा. बहुत ईजी सी रिडल है. कि पीपल बाय मी टू ईट बट नेवर ईट मी, व्हाट एम आई. क्या चीज़ हो सकती है? जल्दी से सोचें कि इसका आंसर क्या होगा. कि पीपल बाय मी टू ईट बट नेवर ईट मी, व्हाट एम आई. तो मैं इसका आंसर लिखने लगी हूँ. मेरे लिखने सबसे पहले जिसने इसका रिप्लाई किया वो इस रिडल का विनर होगा. तो इसका आंसर है जी अ प्लेट. जो प्लेट होती है उसको हम खाने के लिए लेते हैं ना, किसमें खाना डाल के हम खाएंगे, लेकिन प्लेट को तो नहीं हम खाते ना. सुजा जी के इसका आंसर था. तो ये थी जी आज की रिडल्स की वीडियो. तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके. और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, उनको बोलेगा सब्सक्राइब कर दें. और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.